आप देख रहे हैं दखल न्यूज। जिनपिंग का भारत दौरा, गृह मंत्री की तो टू, कश्मीर मसले पर किसी का दखल बर्दाश्त नहीं। दिग्विजय सिंह की कमलनाथ को सलाह, गायों को अभ्यारण या गौशालाओं में भेजकर गौ भक्त बने। किसानों की कर्ज माफी की बात झूठी, बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ सरकार पर निशाना। बीजेपी ने उठाया कानून व्यवस्था पर सवाल, कांग्रेस ने कहा माहौल बीजेपी के लोगों ने बिगाड़ा। और झीरम घाटी कांड, जांच आयोग के समक्ष पहुंचे चश्मदीद, मंत्री कवासी लखमा की भूमिका पर उठाए सवाल। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। जिनपिंग के भारत दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कश्मीर पर हमारा स्टैंड साफ है, यह हमारा आंतरिक मामला है और इस मसले पर हमें किसी का दखल बर्दाश्त नहीं है। अमित शाह बुलढाणा के चिखली में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर को भारत का आंतरिक मसला बताते हुए कहा कि इसमें किसी भी अन्य देश के दखल की जरूरत नहीं है। अमित शाह ने एक बार फिर दोहराया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और कश्मीर मसला भारत का आंतरिक मामला है। शाह ने महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। शाह ने कहा कि इतने सालों में हमेशा हमारा यही स्टैंड रहा है कि हम कश्मीर के मामले में किसी भी अन्य देश का दखल नहीं चाहते हैं, चाहे फिर वह यूएस के राष्ट्रपति हो या फिर कोई और अन्य। मोदी जी साफ शब्दों में कह चुके हैं कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है और इसमें किसी का भी दखल बर्दाश्त नहीं है। 370 जो कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने के लिए जो सबसे बड़ा रोड़ा था, सबसे बड़ा रोड़ा था, मगर इसके सामने देखने की हिम्मत देश में कई सरकारें आई, 70 साल के अंदर कई प्रधानमंत्री आए, किसी ने हिम्मत नहीं करी। मोदी जी जब आए उन्होंने 5 अगस्त को 370 और 35 को उखाड़ कर फेंक। चीन के राष्ट्रपति के भारत दौरे के पहले कश्मीर पर यू टर्न लेते हुए चीन की तरफ से बयान आया था कि चीन इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है। जम्मू कश्मीर का मसला पुराने इतिहास का एक विवाद है जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियमों के हिसाब से सुलझाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री कमलनाथ अगर सड़क पर बैठी गायों को गौ अभ्यारण भेज देते हैं तो वो गौ भक्त बन सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कमलनाथ को ऐसा करने के लिए कहा। अब देखना यह होगा कि क्या मुख्यमंत्री कमलनाथ ऐसा करते हैं या नहीं। अपने बयानों से रोज नई सुर्खियां बनाने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अब सड़कों पर बैठने वाली गायों को लेकर एक ट्वीट किया है। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में भोपाल इंदौर हाईवे की एक फोटो साझा कर लिखा है कि ये तस्वीर भोपाल इंदौर हाईवे की है, जहां अक्सर सड़कों पर आवारा गाय बैठी नजर आती हैं और हर दिन इनकी वजह से इस हाईवे पर हादसे होते हैं। ऐसे में गौरक्षक और गौ माता के प्रेमी कहां हैं? मध्य प्रदेश सरकार को तत्काल इन गौ माताओं को सड़कों से हटाकर गौ अभ्यारण या गौशालाओं में भेजना चाहिए। दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके, अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने सीएम कमलनाथ के लिए लिखा है कि अगर आपने तत्काल ऐसा कर दिखाया तो सच्चे गौ भक्तों में गिने जाएंगे और तथाकथित भाजपाई नेताओं की एक नसीहत भी मिलेगी। बीजेपी विधायक पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के किसान कर्ज माफी पर उठाए सवाल पर उनका धन्यवाद अदा किया और कमलनाथ सरकार पर हमला बोला। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसानों के कर्ज माफी वाले बयान पर सरकार लगातार झूठ बोल रही है। बीजेपी नेता पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और लक्ष्मण सिंह को धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि उन्होंने सरकार को आईना दिखाने का काम तो किया, जो सरकार झूठ पर आधारित थी, झूठ बोलकर बनी थी, जिसने पहले दिन फाइल पर साइन करके किसान कर्ज माफी का भ्रम फैलाया।
उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने झूठ बोला कि 10 दिन में किसान का कर्ज माफ नहीं होगा तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। कमलनाथ जी को सैल्यूट। राहुल गांधी मुख्यमंत्री तो नहीं बदल पाए, पर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदल दिया। सिंधिया जी का धन्यवाद और लक्ष्मण सिंह जी का भी साथ में मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने सरकार को आईना दिखाने का काम तो किया। जो सरकार झूठ पर आधारित थी, झूठ बोलकर बनी थी, जिसने पहले दिन फाइल पर दस्तखत कर प्रदेश में ये भ्रम फैलाया कि हमने देख लो पहले दिन बनते ही 24 घंटे में किसान का 10 लाख 2 लाख का कर्जा माफ कर दिया। जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनने झूठ बोला कि हम 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे और नहीं कर पाए तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। कमलनाथ जी को भी सलूट है कि उनने मुख्यमंत्री तो नहीं बदल पाए पर उनने राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल दिया। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने दोहराया कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं, उन्होंने एक भी किसान का 2 लाख का कर्ज माफ किया हो तो मैं 2 लाख दूंगा। अब सिंधिया जी और लक्ष्मण सिंह ने कह दिया तो अब क्या कहेंगे? जो लोग मेरे और शिवराज जी के निवास पर गट्ठर सिर पर बांधकर कर्ज माफी के कागज लेकर आए थे, क्या अब वे लोग सिंधिया और लक्ष्मण सिंह के यहाँ जाएंगे? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार से कानून व्यवस्था नहीं सुधर रही, प्रदेश में अशांति फैली हुई है, राजनीतिक फायदे के लिए नगर निकाय की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। बीजेपी के आरोपों पर जवाब देते हुए कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा, मध्य प्रदेश में जो भी अपराध हो रहे हैं उनका कारण कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग हैं। एमपी की कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल से मिलकर लौटी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कमलनाथ सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस जब से सत्ता में आई है कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, कमलनाथ सरकार अनर्गल आरोप लगाने में लगी है, बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की गई है, प्रदेश शांति का टापू था लेकिन अब अशांति फैली हुई है, सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह फेल है। मध्य प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज तो दिखाई दे नहीं रही, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, चौपट हो चुकी है। अभी कल ही मंदसौर में विश्व हिंदू परिषद के हमारे एक पदाधिकारी श्री युवराज सिंह चौहान जी की दिन दहाड़े नृशंस हत्या कर दी गई, बीच बाजार हत्या कर दी गई। उसी मंदसौर में कुछ ही समय पहले हमारे वहाँ के लोकप्रिय नगर पालिका अध्यक्ष बंदवार जी की हत्या हो गई, इंदौर में हत्या हो जाती है, अभी कल एक कोच की हत्या इंदौर में हो गई, बच्चों के अपहरण हो रहे हैं, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो रही है। शांति का टापू कहा जिसको जाता था वो मध्य प्रदेश अव्यवस्था के क्षेत्र के रूप में तब्दील हो जाए और इसीलिए ऐसी स्थिति बने उसके पहले ही महामहिम राज्यपाल महोदय हस्तक्षेप करें। राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस नियम कायदों को ताक पर रखकर राजनीतिक फायदे के लिए नगर निकायों की प्रक्रिया में बदलाव कर रही है, इसके खिलाफ बीजेपी जन जागरण अभियान चलाएगी। वहीं बीजेपी के आरोपों का जवाब कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने दिया और कहा कि मध्य प्रदेश के इन हालातों के लिए बीजेपी और उसके नेता जिम्मेदार हैं। इस प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने में सबसे ज्यादा यही लोग लगातार दिख रहे हैं, चाहे बलवाड़ा की घटना की बात करो, चाहे वहां पे कि चुनाव के पैसे के लेन देन में हत्या करी, मंदसौर में पहले देखो तो उस मामले के अंदर हत्या करी, सतना के अंदर इनके लोग निकल रहे। झीरम घाटी हत्याकांड मामले में जांच आयोग के समक्ष चश्मदीद गवाहों ने हाजिरी दी, कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी के साथ ही स्वतंत्र गवाह शिव नारायण ने अपने बयान दर्ज कराए। शिव नारायण ने शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह घटना सुपारी किलिंग की घटना हो सकती है, इस मामले में कांग्रेस नेता और वर्तमान में आबकारी मंत्री कवासी लखमा की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। झीरम घाटी कांड में जांच आयोग के सामने चश्मदीद शिव नारायण ने शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा कि हमले के समय लखमा ने वाहन से उतरकर नक्सलियों को अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं लखमा हूं। इसके बाद नक्सलियों ने फायरिंग बंद कर दी। इसके तुरंत बाद नक्सली कांग्रेस नेता नंदकुमार पटेल, दिनेश पटेल, वाहन चालक व कवासी लखमा को लेकर जंगल के अंदर गए। कुछ देर बाद लखमा और वाहन चालक को छोड़ दिया। उसके बाद नक्सलियों ने जंगल के अंदर ही नंदकुमार पटेल उनके पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी। शिव नारायण ने कहा कि जंगल के अंदर नक्सलियों और कवासी लखमा के बीच क्या बात हुई इसकी जांच होना चाहिए, ये सुपारी किलिंग का मामला हो सकता है। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी, भिलाई के महापौर देवेंद्र यादव का भी प्रति परीक्षण किया गया। 25 मई 2013 को बस्तर के झीरम घाटी में कांग्रेस की एक राजनीतिक रैली पर नक्सलवादियों ने हमला किया था। इस हमले में पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला, प्रदेश के पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद महेंद्र कर्मा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल
पूर्व विधायक उदय मुदलियार सहित कुल 29 लोग मारे गए थे। आजाद भारत के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा नक्सली हमला था और राजनेताओं की हत्या की दृष्टि से यह सबसे बड़ी वारदात थी। इस बड़ी वारदात के पीछे की साजिश को लेकर आज भी रहस्य बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया के होर्डिंग और बैनर देखकर लोग हैरत में पड़ गए। भिंड में भारत रक्षा मंच ने सिंधिया के स्वागत में इन्हें लगाया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के समर्थन पर भारत रक्षा मंच की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में होर्डिंग बैनर लगाए गए। मंच के जिलाध्यक्ष हृदेश शर्मा ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के बाकी नेताओं से अलग अलग जाकर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था। इसके लिए जिले में उनके आगमन पर मंच की ओर से स्वागत किया गया। अब सोशल मीडिया पर मोदी सिंधिया के पोस्टर और होर्डिंग के दृश्य खूब वायरल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में जब से कमलनाथ सरकार आई है तब से बिजली की आंख मिचौली जारी है और बढ़ते बिजली के बिल जनता को झटके दे रहे हैं। भोपाल में भाजपा जगह जगह बढ़ते हुए बिजली बिल जला के विरोध प्रदर्शन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ सरकार में बिजली के बढ़ते बिलों के विरोध में राजधानी के रोशनपुरा पर प्रदर्शन किया। सरकार की संबल योजना के तहत जिन बीपीएल परिवारों का बिल 200 रुपये माह आना चाहिए था, उन परिवारों को अब हजारों रुपये बिल भरना पड़ रहा है, जिसको लेकर इन बीपीएल परिवारों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन उसका कोई लाभ उन्हें नहीं मिला। आमजनों की शिकायत के बाद पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह और बीजेपी भोपाल के अध्यक्ष विकास वीरानी के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मामले में सुरेंद्र नाथ सिंह के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद ऐसे प्रदर्शन की संख्या बढ़ गई है और हर रोज कहीं ना कहीं ऐसी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 33 लाख के इनामी 7 नक्सलवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वालों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने इसे बड़ी कामयाबी बताया है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सीमा से लगे पूरे चादव दलम से 7 नक्सलियों ने गढ़चिरौली पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 7 नक्सलवादियों पर 33 लाख का इनाम घोषित था। 3 महिला नक्सलियों सहित दलम कमांडर और उप कमांडर ने अपने सदस्यों के साथ आत्मसमर्पण किया है। पुलिस के लिए इसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के पहले नक्सलियों का इस तरह आत्मसमर्पण करना एक बड़ी कामयाबी है। पिछले 2 महीने से पुलिस ने नक्सलवादियों पर एंटी नक्सल अभियान के तहत प्रेशर बनाया हुआ था, जिसके चलते नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल कटाई का नया प्रयोग किया गया, जिसके आधार पर पैदावार के आंकलन का कार्य किया गया और इसी के आधार पर फसल नुकसान की राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हरदा जिले के ग्राम झाड़पा व सिकम्बा में फसल कटाई प्रयोग किया गया। हल्का पटवारी ने किसानों को बताया कि फसल कटाई प्रयोग के आधार पर ही फसल नुकसान की राशि प्राप्त होगी। ग्राम झाड़पा के किसान पुरुषोत्तम पारे के खाते में फसल कटाई प्रयोग किया गया, जिसमें से 5x5 मीटर क्षेत्र के प्लॉट में फसल काट कर वजन देखा गया। 5 दिन बाद एक बार फिर फसल का वजन देखा जाएगा, इससे प्रति हेक्टेयर उपज का पता चल जाएगा। कटाई प्रयोग के दौरान पटवारी बीमा कंपनी के अधिकारी सहित दर्जनों किसान उपस्थित रहे।
एक चोर ने पूरी ताकत लगाकर सेंधवा में पुराने एवी रोड पर बने एटीएम को तोड़ दिया, लेकिन वह कैश बॉक्स तक नहीं पहुंच पाया। अब पुलिस एटीएम में तोड़फोड़ करने वाले शख्स की तलाश कर रही है। सेंधवा के पुराने एवी रोड पर दिनेश गंज के सामने स्थित कैनरा बैंक के एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया गया। अज्ञात बदमाशों ने रात में एटीएम में घुसकर लोहे की टॉमी से एटीएम को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यह कामयाब नहीं रहा। लोहे की टॉमी के प्रयोग से एटीएम क्षतिग्रस्त हुआ है। बैंक प्रबंधक बसामा खान ने बताया कि मामले की सूचना पुलिस और बैंक के उच्च अधिकारियों को दी गई है। खान ने बताया कि अज्ञात चोर ने एटीएम को नुकसान पहुंचाया, हालांकि नकदी तक वह नहीं पहुँच पाया। रात को हमारे यहाँ 1:30 बजे एटीएम को तोड़ने की कोशिश हुई है। एक शख्स था, वो 1:30 बजे एंट्री किया है और ट्राई किया लगभग 1 घंटे, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाया वो। बैंक को कोई आर्थिक क्षति तो नहीं हुई है, लेकिन हल्का सा नुकसान हुआ है वो एटीएम के कुछ पार्ट्स को। नीली जीन्स, सफ़ेद और लाल टी शर्ट पहना बदमाश मुंह पर रुमाल बांधकर एटीएम में घुसा था। काफ़ी होशियारी से बदमाश ने एटीएम का शटर धीरे धीरे बंद किया और खुद अंदर घुस गया। एटीएम में घुसकर लोहे टॉमी से एटीएम को तोड़ने का प्रयास शुरू किया। करीब 20 मिनट से अधिक समय तक बदमाश ने एटीएम को तोड़कर नकदी राशि चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिसमें अज्ञात बदमाश एटीएम को तोड़ने का प्रयास करते दिख रहे हैं। पुलिस पुराने संदिग्ध बदमाशों से भी सीसीटीवी में दिख रहे बदमाश का मिलान कर रही है। राजगढ़ की ब्यावरा पुलिस ने 11 सटोरिए पकड़े और उनका जुलूस निकालकर उनसे सड़कों पर नारे लगवाए कि सट्टा खेलना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। पुलिस का तर्क है कि ऐसा करने से सटोरियों में खौफ पैदा होगा। ब्यावरा सिटी पुलिस ने मातावन क्षेत्र में 11 सटोरियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान 2 आरोपी भाग गए। पुलिस ने मौके से लेकर थाने तक इन सटोरियों का जुलूस निकाला और उनसे नारे लगवाए, सट्टा खेलना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। सिटी थाना प्रभारी डीपी लोहिया के मुताबिक खाईबाज फुरकान खां के घर दबिश देकर वहां से 11 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान फुरकान और तौफीक भाग गए। मौके से 4,250 रुपए कैश और 3,20,520 रुपए का सट्टा पर्चियां जब्त की गईं। उन्होंने बताया कि इन आरोपियों से नारे इसलिए लगवाए गए ताकि लोगों को सीख मिले कि सट्टा एक अनैतिक कृत्य है, इसके माध्यम से समाज और परिवार के बीच बिखराव हो रहा है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को सटोरियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा है। कई बड़ी वारदातों में शामिल 5 लाख की इनामी महिला नक्सली माधवी गंगी ने सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ 3 अन्य नक्सलियों ने भी हथियार डाल दिए। 5 लाख की इनामी महिला नक्सली माधवी गंगी समेत 4 नक्सलियों ने सुकमा में सरेंडर किया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। इनमें से प्रमुख मांडवी गंगी 2006 से नक्सली कमांडर सतीश अन्ना के द्वारा संगठन में जुड़ी गई थी। ये सभी नक्सली बीते कई सालों से नक्सली संगठन में काम कर रहे हैं। ये सभी नक्सल उन्मूलन अभियान और शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित हैं। आत्मसमर्पण के बाद इन सभी ने साथी नक्सलियों पर भेदभाव और हिंसा करने का आरोप लगाया। चर्चित मयंक हत्याकांड का खुलासा हो चुका है। अवैध संबंधों के चलते मयंक के दोस्तों ने उसका अपहरण किया और उसे गोली मार दी। इससे भी जब उसकी मौत नहीं हुई तो हत्यारों ने उसका गला दबाकर उसे मार दिया। टीकमगढ़ के चर्चित मयंक अपहरण मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अवैध संबंध के कारण मयंक की हत्या की गई थी। टीकमगढ़ पुलिस ने मयंक अपहरण कांड का खुलासा करते हुए बताया कि इस मामले के मुख्य अभियुक्त इशाक खान और इकबाल ने बताया कि मयंक के अवैध संबंध उसके परिवार की महिला से थे, जिसके लिए अशाक ने अपने रिश्तेदार इकबाल की मदद से पार्टी मनाने का झांसा देकर मयंक का अपनी कार में अपहरण कर लिया और उसे शराब पिलाई। नशे की हालत में इशाक ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली मारी, लेकिन जब मयंक की मौत नहीं हुई तो दोनों ने मिलकर मयंक का गला घोटकर हत्या कर दी और लाश को चादर में लपेटकर यूपी के पास धसान नदी में फेंक दिया। घटना 25 सितंबर को मयंक इशाक के साथ में खाना खाने गया था। इशाक के साथ किसी ढाबे में बैठ कर उन्होंने खाना खाया था। खाना खाने के बाद अपनी इशाक की कार से निकल गए थे। बाद में कारा गांव के बाद में
कारा गांव कैरी गांव के पास में इसाब ने अपने 12 बोर्ड की लाइसेंस के माध्यम से मारा दिखाया चुका है राज में। मारने के बाद में शव को गरोली स्थित जो धसान नदी का ब्रिज है उस तक आरोपी को मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के सटे गांव से पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपियों का साथ देने के कारण उसके कुछ रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार किया। पूरा घटनाक्रम सामने आने के बाद मयंक की लाश को तलाशा गया, लेकिन मयंक की लाश का कहीं कोई पता नहीं चला है। अब बात वीडियो वायरल की। आपने बंदरों को जुए बीनते हुए तो देखा होगा, लेकिन हम जिस बंदर की बात कर रहे हैं, ये बंदर पुलिस स्टेशन में पहुंचकर थानेदार के कंधे पे बैठकर जुए बीनता है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के थानेदार और बंदर का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पीलीभीत में एक बंदर थाना अध्यक्ष के कंधे पर आकर बैठ गया और फिर सिर से जुए बीनने लगा। जिसने भी ये देखा उसकी हंसी नहीं रुकी। दरअसल थाना अध्यक्ष श्रीकांत द्विवेदी अपनी कुर्सी पर बैठकर जरूरी काम निपटा रहे थे, तभी थाने में एक बंदर आ धमका। कुछ देर इधर उधर उछल कूद मचाने के बाद बंदर थाना अध्यक्ष की कुर्सी के पास पहुंचा। उन्होंने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं भागा और सीधे उनके कंधे पर आकर बैठ गया। इसके बाद बंदर उसके सिर पर चढ़ गया और जुएं बीनने लगा। कमरे में मौजूद कुछ पुलिसकर्मियों ने बंदर की इस हरकत का एक वीडियो बना लिया, जिसे बाद में यूपी पुलिस के एडिशनल SP राहुल श्रीवास्तव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर दिया। शेयर करते ही ये वीडियो वायरल हो गया। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस वक्त बंदर थानाध्यक्ष के सिर से जुएं बीन रहा था, उस वक्त वो बड़े आराम से अपना काम कर रहे थे। ऐसा लगा ही नहीं कि वो बंदर से परेशान हैं। वीडियो में सुना भी जा सकता है कि वो बार बार बंदर से नीचे उतरने के लिए कहते हैं, लेकिन बंदर अपनी ही धुन में जुएं बीनने में लगा हुआ नजर आ रहा। हालांकि कुछ देर बाद वो उतरकर चला गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।